ये कहानी है हौसले और हिम्मत की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाली जज्बे की। ये कहानी है 1862 लंदन के एक शहर गुलबर्ग हिम्पटन की, जहां पर हम मूवी के फीमेल लीड कैरेक्टर अमेलिया रेन को देखते हैं, जिसे अपने सफर के दौरान अतीत के कुछ भयानक बातें याद आती हैं, जिसके चलते उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ जाती है। ये देखकर उसकी बहन एंटोनिया सफर को रोकने के लिए हिदायत देती है। दूसरी तरफ हम मूवी के मेल लीड कैरेक्टर जेम्स ग्लेशियर को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होता है। वो आज अपने पार्टनर के साथ दुनिया के सबसे बड़े एयर बलून में बैठकर 23,000 फीट की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। इस बीच उसका दोस्त जॉन उसे खराब मौसम के इशारा करते हुए उस उड़ान को रोकने की सलाह देता है। तभी एक आदमी को हम उनके तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि उस बलून का मालिक होता है और उसका नाम नेट चैम्बर्स था। वो उन दोनों से उड़ान में हो रही देरी का रीजन पूछता है। तभी जॉन उसे खराब मौसम के बारे में बताता है, लेकिन उसके बावजूद चैम्बर्स उनको कहता है कि उन्होंने उड़ान नहीं भरा तो उसके पैसे के साथ साथ वहाँ पर मौजूद हजारों लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। पर जेम्स उसे भरोसा दिलाता है कि वो हर हाल में इस उड़ान को पूरा करेगा। तभी उन्हें दर्शकों की बहुत बड़ी शोर सुनाई देती है और हम एक बार फिर से अमेलिया को देखते हैं। उसके आते ही सारे ऑडियंस तालियों से उसका अभिवादन करते हैं। दोस्तों, दरअसल अमेलिया एक एंटरटेनर होने के साथ साथ एक लेडी एरोनॉट भी होती है और वही उस एयर बैलून का पायलट भी थी। दरअसल जेम्स अमेलिया के साथ ही 23,000 फीट की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था। अमेलिया उस उड़ान पर अपने साथ अपने कुत्ते को भी लेकर जा रही थी। इसे देखकर जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए लोगों को एंटरटेन करने में लग जाती है, जिसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जहाँ इसी बीच अमेलिया की नजर एक शख्स पर जाती है, जिसे देखकर वो पल भर के लिए सहम जाती है, लेकिन दूसरे ही पल उसे अनदेखा कर जेम्स के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। लोगों की तालियों की गूंज से वो अपनी सफर का शुरुआत करते हैं और देखते ही देखते वो धरती का आंचल छोड़ आसमान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जहां धरती से कुछ दूर ऊपर जाने के बाद ही अमेलिया अपनी कर्तव्य से लोगों को एंटरटेन कर रही थी और लोग ही उसकी कर्तव्य को एंजॉय कर रहे थे। तभी अमेलिया जेम्स से अपने कुत्ते को ऊपर देने की मांग करती है, लेकिन जेम्स उसे ऐसा करने से मना करता है। पर अमेलिया के फोर्स करने पर वो आखिर में उस कुत्ते को अमेलिया के हाथ में सौंप देता है और हम देखते हैं कि वो उस कुत्ते को नीचे गिरा देती है, जिसे देख सब लोगों की सांसें थम जाती है। वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कुत्ते की पीठ पर बंधा हुआ पैराशूट खुल जाता है, जिसे देख पूरा स्टेडियम तालियों की साउंड से गूंज उठता है। अमेलिया की ये कारनामा देख ऑडियंस के साथ साथ जेम्स भी एक राहत की सांस लेता है और इस तरह देखते ही देखते वो 1100 फीट के ऊपर की ऊंचाई को छू लेते हैं, जहां जेम्स खुद को शहर के इतने ऊपर उड़ता हुआ देख पहली बार खुद को आजाद पंछी की तरह महसूस कर रहा होता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर अमेलिया उसे कहती है कि ये दुनिया इसी तरह से एंटरटेन होना पसंद करती है, जहां पापी पेट के चलते मुझे अक्सर ऐसे तमाशे दिखाने पड़ते हैं। लेकिन जेम्स एक साइंटिस्ट होने की वजह से अमेलिया की बातों को बेतुकी समझता है, जिसे देख अमेलिया उसे ताना देते हुए कहती है कि उनके इस सफर का पूरा खर्चा नीचे बैठे हुए उन्हीं लोगों से जुटाया गया है, ना कि उसकी किसी खोज की वजह से। ये सुनने के बाद जेम्स को पहली बार अमेलिया की काम की इम्पोर्टेंस समझ में आती है और इसी बीच जेम्स की नजर अपने साइंस इंस्टीट्यूट पर जाती है, जहां 2 साल पहले वो और जॉन उसकी छत पर चार्ल्स ग्रीन नाम के एक एरोनॉट का बैलून को देख रहे थे। वो बैलून बादलों से होता हुआ आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, जिसे देख जॉन फॉरेन उनसे मिलने के लिए बेताब हो उठता है और कुछ दिन बाद अपनी खोज के चलते लंदन की रॉयल सोसाइटी को ये बताता है कि आने वाले टाइम में वो वेदर कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो कुछ टाइम बाद मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं और इस तकनीक से इंसानों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन वहाँ बैठे सब लोगों को उसकी बातें दकियानुसी सी लगती है, जहाँ उन सबके साथ साथ चार्ल्स भी उसका मजाक उड़ाने लगता है और उन्हीं धुंधली यादों के बीच हम फिर से उन लोगों को अपने मुकाम की तरफ बढ़ती हुई देख पाते हैं, जहाँ जेम्स मौसम की गतिविधियों को अपने साथ लाए कबूतरों के जरिए नीचे भेजना शुरू करता है और कुछ ही देर में उनका बलून काले घने अंधेरे बादलों के बीच दाखिल होता हुआ दिखाई देता है। अब इस काले घने अंधेरों में अमेलिया फिर से उस आदमी को देख पाती है जो उसे नीचे दिखा था। दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, जो कि अपने सामान को सही कर रहा था। यहाँ इसी बीच उन्हें अपने ऊपर बादलों की तेज कड़कड़ाहट सुनाई देती है, जिसे सुन वो तेजी से हरकत में आ जाते हैं और वो अपने सामान को बारिश से बचाने में लग जाते हैं। लेकिन तभी तेज हवाएं अपना पूरा जोर पकड़ लेती है, जिस वजह से उस बैलून के साथ साथ वो दोनों भी उस तेज तूफान में गोते लगाते हुए नजर आते हैं। उस तूफान के दौरान जेम्स घायल होने की वजह से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ अमेलिया बास्केट से बाहर निकलकर लटक रही होती है, वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी जेम्स को होश आ जाता है
और वो एक पल की भी देरी ना करते हुए अमेलिया को ऊपर खींचकर उसकी जान बचा लेता है। और हम देखते हैं कि अमेलिया उन दोनों की जान बचाने के लिए उस बास्केट में मौजूद रेत की बेग को नीचे गिराना शुरू कर देती है, जिस वजह से उनका बैलून हल्का हो जाता है और देखते ही देखते बादलों को चीरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, जहां कुछ देर बाद अमेलिया की मेहनत रंग लाती है। वो लोग अब खुद की चारों तरफ बादलों को देख पाते हैं। अब वो दोनों उस मुसीबत से आजाद हो चुके थे। वो दोनों खुशी के मारे एक राहत की सांस लेते हैं, जहां इसी बीच जेम्स बादलों के ऊपर उस बलून की परछाई को देखकर पहली बार एहसास करता है कि वो नीचे बसी दुनिया की बेतुके नियम और दिखावों से कहीं ज्यादा ऊपर आ चुका है। और तभी वो अपनी मन की भड़ास को जोर जोर से चीखकर बाहर निकालता है। वो अपनी खुशी को जाहिर करता है। जेम्स की देखा देखी अमेलिया भी ठीक उसी की तरह अपनी खुशी को जाहिर करती है। और हम देखते हैं कि अमेलिया फिर से अपनी यादों में कहीं गुम हो जाती है, जहां हम उसे अपने पति के गुजर जाने की गम में उदास बैठा हुआ देख पाते हैं। उसकी ये हालत देखकर उसकी छोटी बहन उसे एक पार्टी में लेकर जाती है, और उसी पार्टी में अमेलिया जेम्स से मिलती है, जो उसे अपने सपनों के बारे में बताता है और अमेलिया को अपनी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि अमेलिया जेम्स की सोच से बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और वो नेक्स्ट डे से उस बलून को बनाने में जुट जाती है, जहां इसी बीच उनकी बलून धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। उन बादलों के बीच में से एक तितलियों की झुंड अमेलिया को उसकी यादों से बाहर निकालते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी लेकर आती है। और हम देखते हैं कि वो पहली बार अपने पति को याद करते हुए उसका जिक्र जेम्स के सामने करती है, जहां वो जेम्स को बताती है कि उसके पति का सबसे बड़ा खूबी इस दुनिया की असली खूबसूरती को ढूंढना था और जो उसे हमेशा ही इन बादलों के बीच आकर मिलता था। लेकिन एक दिन उसका यही जुनून उसकी जान ले लेता है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद जेम्स फिर से एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक दिन अमेलिया उसके ऑफिस में आकर उसके साथ उड़ान भरने से मना कर देती है, जिसके चलते वो मायूस होकर एक बार फिर से चार्ल्स से मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन चार्ल्स बजाय उसकी मदद करने की उसकी मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या तुम इतनी ऊंचाई पर जिंदा रह पाओगे। इसी बीच उसे अमेलिया की एक आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वो दोनों 23,000 फीट की ऊंचाई को पार करते हुए चार्ल्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ डालते हैं। ये सब देखने के बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और जेम्स अपनी कामयाबी की खबर उस घमंडी चार्ल्स को कबूतर के जरिए भेजते हुए दिखाई देता है। लेकिन उसी बीच अमेलिया की नजर ठंड पड़ रही हवाओं की तरफ जाता है और वो वरीड हो जाती है और नीचे जाने की फैसला करती है। लेकिन जेम्स उसे मना करते हुए बेलून को ऊपर ले जाने की जिद करता है, मगर अमेलिया उसकी बातों से एग्री नहीं करती और उसे कहती है कि उनका ऐसा करना उनकी जान पर बना सकती है। पर जेम्स की मनाने पर अमेलिया वहाँ से ऊपर जाने के लिए मान जाती है। हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखा जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जब अमेलिया बेलून को उड़ाने के लिए मना करती है, तब जेम्स का साथी जॉन उसे मनाने के लिए वहाँ पर आया था। वो उसे एक किताब देता है और उसे जेम्स के नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की अधूरे सपने के बारे में बताता है। जेम्स की और उसके पति की सपने सेम होने के कारण वो जेम्स की मदद करने के लिए मान जाती है। इस बीच वो आसमान को निहार रही थी, तभी अचानक उसकी नजर बैलून पर जमी हुई बर्फ की तरफ जाती है, जिसे देखने के बाद उसका ध्यान जेम्स की पैरामीटर पर जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों 26,000 फीट की ऊंचाई को पार कर चुके थे और वहाँ पर हवा की नमी बिल्कुल ही कम हो गई थी और उन दोनों के चेहरों पर फ्रस्ट बाइट का असर साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर इन सब की परवाह ना करते हुए जेम्स और भी ऊपर जाने के लिए वहाँ रखे वेट बैग्स को नीचे गिराना शुरू कर देता है, जिसे देख अमेलिया उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसका ऐसा करना बैलून को तबाह कर सकता है। लेकिन जेम्स अमेलिया के एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ रखे सामान को नीचे फेंकता जा रहा था। इस बीच उन दोनों में झड़प तक हो जाती है और जेम्स की नाक से खून बह रहा था, जिसे देखकर जेम्स बहुत ही गुस्से से भर जाता है और अमेलिया को ताना देते हुए कहता है कि तुम्हारी पति भी तुम्हारी तरह डरपोक था, जिसके चलते उसकी जान तक चली गई। अब जेम्स के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अमेलिया मजबूरन जेम्स को उस दिन की सच्चाई बताती है, जब वो दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के करीब थे और बलून की बागडोर उसके पति के नहीं बल्कि अमेलिया के हाथ में था, जहां उसके एक गलती के चलते उसके हाथ से वो बलून फट गई थी, जिस वजह से वो दोनों तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गए थे। और हम देखते हैं कि अमेलिया जिसे अपनी विजन्स में देखा करती थी, वो और कोई नहीं उसका पति होता है, जिसने अमेलिया की जान बचाने के लिए उस दिन अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, जिस वजह से अमेलिया खुद को कभी माफ नहीं कर सकी। अब उसकी सच्चाई जानने के बाद जेन उसे शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और दोनों नीचे जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी अमेलिया की नजर ठंड के कारण फ्रीज हो चुकी गैस बैलून के टॉप पर जाती है। वो उसे खोलने की काफी कोशिश करती है पर वो नहीं खुलता। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं, जहां
बढ़ती हुई ठंड के कारण वो हाइपोक्सिया का शिकार हो गया था। इसके बाद अमेलिया अपनी जान की परवाह ना करते हुए जेम्स की जान बचाने के लिए बैलून के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। वो वहाँ पर कुछ मुश्किलों का सामना करती है, जहाँ देखते ही देखते वो कुछ ही पलों में बैलून की टॉप पर पहुँच जाती है और वो अपनी जूते की मदद से बैलून की होल को खोलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ठंड के कारण वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उनका बैलून भी धीरे धीरे नीचे खिसकना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि बेहोश पड़ी अमेलिया भी फिसलती हुई नीचे गिर जाती है। लेकिन एक रस्सी से बंधे होने की वजह से वो मौत की मुंह में जाने से बच जाती है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद वो बास्केट तक पहुंचने में कामयाब होती है। वहां पर जेम्स को बेसुध हालत में पड़ा देख वो समझ आती है कि वो आज फिर से किसी अपने को खोने वाली है। लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ऑक्सीजन की कमी की वजह से जेम्स बेहोश पड़ा था और उसे जिंदा देखकर अमेलिया की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जेम्स एक जार में स्नो को इकट्ठा कर रहा था ताकि उसके जरिए वो अपनी प्यास को बुझा सके। इस बीच उनका बैलून कुछ ही मिनटों में हजारों फीट नीचे आ चुका था और अचानक वो स्नोफॉल बीच हवा में कुछ पल के लिए ठहर सी जाता है, जिसे देख अमेलिया को कुछ गड़बड़ी सी महसूस होता है और हम देखते हैं कि वो बैलून दरअसल गैस लीकेज की वजह से कोलैप्स होना शुरू हो गया था, जहां उस गलती के चलते अमेलिया फिर से अपने अतीत को दोहराती हुई नजर आती है और जेम्स उसे बास्केट से ऊपर जाने के लिए कहता है और खुद भी ऊपर जाकर दोनों की जान बचाने के लिए वहां रखे सामान के साथ साथ अपनी बास्केट को भी काट डालता है। लेकिन उनका ऐसा करना उनकी जान को और भी जोखिम में डाल देता है, जहां इस हालत का जिम्मेदार अमेलिया खुद को मान रही होती है और जेम्स की जान बचाने के लिए वो इस बार अपनी जान को दांव पर लगाते हुए जैसे ही वहां से कूदने वाली थी, तभी अचानक पीछे से जेम्स चिल्ला उठता है और एक पल की भी देरी ना करते हुए वहां लगी हुई बैलून की रस्सियों को वो काट डालता है कि बूम, वो सारा बैलून एक विशालकाय पैराशूट में बदल जाता है और देखते ही देखते वो कुछ ही पलों में नीचे पहुंचने में सफल हो जाते हैं। वो कुछ हद तक घायल हो जाते हैं पर वो जिंदा थे, जहां इन दोनों का कारनामा उनकी जिंदगी के साथ साथ आने वाले वक्त को भी बदल कर रख देता है। और हम देखते हैं कि जो लोग कल तक जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग आज उसकी सम्मान में तालियां बजाते हुए नजर आते हैं। अब एक आखिरी बार हम फिर से उन दोनों को एक नई उम्मीद के साथ अपनी अगली मंजिल की ओर उड़ान भरते हुए देख पाते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये कहानी थी हिम्मत की और अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाली जज्बे की, जो हमें सिखा जाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आपको आपके सपनों पर और खुद पर भरोसा हो तो आप किसी भी जटिल परिस्थिति का सामना करते हुए उस पर जीत पा सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए।